आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अलग ही व्यवस्था है दीपोत्सव के लिए, एक अलग से एक विशेष गेट बनाया गया है, यहाँ पे द्वार बनाया गया है दीपोत्सव 2019 के लिए। चल रहे हैं श्री राम कथा पार्क की ओर, जहाँ पर हमारे साथ हैं भाई साहब और जय श्री राम। भाई साहब, भाई साहब, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पूरा बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही हाई लेवल की यहाँ पे हो चुकी है। दीपोत्सव 2019 में हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, अब राम कथा पार्क की ओर जा रहे हैं। ये यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं, अधिकारियों का आगमन हो रहा है और हमारे साथ में कीर्तन है और इनके साथ में भाई साहब बगल में अभिषेक जी भाई साहब हैं, जो मिल्कीपुर से हैं और संघ की तरफ से आप जो अपने इस मिल्कीपुर खंड के खंड बौद्धिक प्रमुख हैं। हम सभी लोग अब रामकथा पार्क की ओर जा रहे हैं, जहां पे मुख्य कार्यक्रम होना है आज का। बहुत ही अद्भुत दृश्य है आज अयोध्या का, कुछ कहा नहीं जा सकता है और इसको इस शब्द कम पड़ जाएंगे। यहाँ रहे हमारे बौद्धिक प्रमुख जी और बहुत ही अच्छा दृश्य, जितनी तारीफ की जाए कम है। चलिए अभी आपको दिखा रहे हैं हम अयोध्या रामकथा पार्क में। ये देखिए अद्भुत दृश्य है दीपोत्सव 2019 का। जो पुलिस बल देख सकते हैं यहाँ कितना तैनात है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका है। सुरक्षा इतनी है कि यहाँ पर कहीं किसी तरह जो है मुड़ने नहीं दिया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ और दिखाते हैं आप लोग बस। अब आप देख सकते हैं जो असली अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है और जो आप देखने जा रहे हैं वाकई में वही जो अद्भुत है यहाँ पे है। ये देखिए का आगमन हो चुका है, उनका आगमन हो रहा है और इन्हीं में से किसी हेलीकॉप्टर से प्रभु श्री राम सीता मैया लक्ष्मण जी के प्रतीक स्वरूप का अवतरण होने ही वाला है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ और मेरे साथ बोले जय श्री राम। से आई हैं और आज मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगी फिजी और भारत। योगी आदित्यनाथ जी और इसके बाद यहाँ पर दीप प्रज्वलन होगा और
ऐसा लगेगा मानो आसमान से जो तारे हैं सारे तारे वो जमीन पर उतर आए हैं। ऐसा आज भव्य तरीके से दीपोत्सव 5,51,000 दीप जलाए जाएंगे एक साथ इस राम की पैड़ी पर, और बड़ी खुशी का अनुभूत हो रहा है और ये देखकर बड़ा ही मन गदगद हो उठा है कि आज अपना देश आगे बढ़ रहा है। और हम लोग आपको यही दिखाना चाहते हैं कि आज हम कहाँ पर हैं, किस स्टेज पर हैं। आज अपने इस दीपोत्सव 2019 के कार्यक्रम में फिजी की जो मंत्री श्रीमती वीणा प्राप्त हुआ, श्रीमती फिजी की श्रीमती वीणा भटनागर जी, जिन्होंने कहा कि वसुंधरा परिवार है हमारा, और उन्होंने रामायण की अनेकों चौपाइयाँ सुनाई जिससे हमें साफ साफ अनुभूत हो रहा है कि वास्तव में ये भारत का विश्व गुरु था। सारी दुनिया पूज रही थी, भारत के गौरव की गाथा भूमंडल पर गूंज रही थी। रक्त रंगी है बलिदानों की कणकड़ मिट्टी हिंदुस्तानी, घर घर में गाई जाती है हारी रानी की कुर्बानी। केवी सिंह जी काफ़ी खुश हैं और यहाँ पहुँचे हैं, और सरयू जी का जल अपने माथे पर लगा के आशीर्वाद लिया है माँ सरयू का। और इसके बाद में दीपों का प्रज्वलन शुरू हो चुका है राम की पैड़ी अयोध्या पर, और बड़ा ही अद्भुत दृश्य अतुलनीय है। इसका वर्णन हम इसे अपने शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है, बहुत ही अद्भुत दृश्य है। दीपोत्सव प्रारंभ हो चुका है और 5,51,000 दीपक प्रज्वलित किए जा चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में। अब चलते हैं घर की तरफ, और बहुत टाइम उन्होंने स्पेंड किया यहाँ पे, और पूरे रात यहाँ पे हमने आनंद लिया। जो अच्छा अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, और योगी जी भी आए थे तो उन्होंने काफ़ी आतिशबाजी कराई, उसका हम लोगों ने आनंद लिया। और बहुत ही बेहतरीन जो सज्जाएँ की थी और डेकोरेशन था बहुत बेहतरीन था। यहाँ पर 5,51,000 दिए जलाए गए, जिसमें से कि ड्रोन उनका एक एक करके काउंटिंग कर रहा था। जो दिए 5 मिनट जल रहे थे उन्हीं को काउंट किया गया है। और हम लोगों ने घूमा और पूरा आनंद लिया यहाँ के दीपोत्सव का, और अब हम लोग वापस चल रहे हैं अपने घर की ओर। तो आशा है कि आप लोगों ने इसमें पूरा दिखा पाए होंगे, और आप लोगों ने इसका देख के काफ़ी आनंद लिया होगा, आपको भी आनंद की अनुभूति हुई होगी। और सचित्रण आपने देखा होगा तो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। चल रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले दीपोत्सव पर, तब तक आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए और द हिस्ट्री ऑफ बीसीबी को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।